टुडे रीडिंग क्लास 10 सेक्शन बी सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 12 स्टडी रीडिंग क्वेश्चन एट नाइन टेन एंड 11 गिवन इन क्वेश्चन टाइप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इट्स फूट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कहते हैं 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यह ए को हमने 7 मीटर हाई बिल्डिंग माना है और बी डी जो है यहाँ पर एक केवल टावर है और इस बिल्डिंग के शिखर से यानी पॉइंट डी से और जो केवल टावर का टॉप है यानी पॉइंट डी उसका एलिवेशन है 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रा करना पड़ेगा फिर एंगल बनेगा 60 डिग्री का। और कहते हैं इसी टॉप से बिल्डिंग के जो केवल टावर का फुट है यानी फुट माने बी बी जो है केवल टावर का फुट है एंगल ऑफ डिफ्यूजन यह है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर रख दिया गिवन सिचुएशन हमने एक फिगर ड्रा किया है यहाँ पर जिसमें बिल्डिंग है केबल टावर है और यह एंगल एलिवेशन है टावर का और यह बॉटम का एंगल डिफ्यूजन है। उसे एक स्टेटमेंट की सहायता से मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ईसीबी टेन 45 इज इक्वल टू बीसी अपॉन सी। चूंकि आप जानते हैं टेन जो रेशियो होता है वो हाइट अपॉन बेस के होता है और हाइट कौन है एंगल अपोजिट साइड। तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वह बीसी है तो बीसी अपॉन ईसी हो गया। टेन 45 वन के इक्वल होता है तो वन इज इक्वल टू 7 अपॉन ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ईसी इज इक्वल टू आ गया 7 मीटर को। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ ट्रायंगल ईसीडी टेन 60 इज इक्वल टू डीसी अपॉन ईसी √3 इज इक्वल टू डीसी अपॉन ईसी। ईसी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में 7 आई है इसलिए यहाँ 7 पुट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डीसी इज इक्वल टू आ गया 7√3 एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर आता है ईसी प्लस डीसी तो यहाँ था एबीसी। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं ऐड करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सीधे हाइट ऑफ टावर फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाफ टावर इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी। बीसी 7 है पहले से हमको पता है
और सी डी है 7√3। 7 मैंने कॉमन ले लिया, आ गया 1+√3 अंडर रूट। यह है हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 में है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। टू कार का या जो दिया होते लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, जो कि ये लाइट हाउस जो है समुद्र तल के पैरेलल है, यानी जो सी लेवल है उसी पर है स्थित। फिर कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ टू सी, करें टू सी के यहां से ऑब्जर्वेशन करने पर टॉप से टू सी का जो एंगल ऑफ डिप्रीजन है, एंगल ऑफ डिप्रीजन वो 30 और 45 डिग्री है। तो यह पॉइंट जो है सिप का परपेंडिकुलर लाइन के नियरेस्ट है, इसलिए इसका एंगल हुआ 45 डिग्रीजन। तो डिग्रीजन एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रा करके हमें बाहर फाइंड किया जाता है, ये 45 डिग्री है। लेकिन जो सेकेंड सिप है उसका डिप्रीजन एंगल कहते हैं कि वह है 30 डिग्री। यह एंगल जो है वो 30 डिग्री है टू सिप के डिप्रीजन एंगल है, चूंकि यह एक पैरेलल लाइन है। जो ED है वो AC के पैरेलल है, इसलिए आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, इसलिए यह हो जाएगा 45 और यह हो जाएगा 30, क्योंकि 45 इस पैरेलल लाइन को यह लाइन जोड़ रही है, इसके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनेगा वह इसी एंगल की इक्वल होगा। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लेवल से यह लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी वो 30 होगा, और उसके इक्वल एंगल यह होगा अल्टरनेट एंगल से। अब स्टेटमेंट देते हैं, लेट एट टॉप पॉइंट डी ऑफ अ टावर, यहां दिया है लाइट हाउस, लाइट हाउस ही लिखे, द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ टू सी
ए एंड बी आर थर्टी एंड 45 डिग्री। यहां पर डीसी मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ लाइट हाउस। इन ट्रायंगल डीबीसी टेन 45 इक्वल टू डी सी अपॉन डी सी। यहां यदि फाइंड करना है, यह दिया है, फाइंड करना है सिक के बीच का डिफरेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सी। ए बी का हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी फाइंड करना है। तो हो गया टेन 45 इक्वल टू 1, डी सी इक्वल टू 75 और बाई बी सी, तो बी सी आ गया 75 मीटर। नाउ ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल ए सी डी टेन 30 इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू डी सी है 75 अपॉन ए सी। ग्लाइड दैट ए सी इक्वल टू 75√3। इक्वेशन हो गया सेकंड, और यह इक्वेशन था फर्स्ट। अब देखें हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी मिलेगा ए सी माइनस बी सी से। नाउ डिफरेंस बिटवीन द टू से इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू 75√3 है और यह है 75 इक्वल टू आ गया 75 कॉमन ले लें तो रूट थ्री माइनस 1 अंडर रूट मीटर। यही दोनों सिप के बीच का डिफरेंस है, यह मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन 14 है जिसका फिगर यहां पर दिया गया है, इसलिए इसका स्टेटमेंट नहीं दूंगा, केवल फिगर दूंगा और सीधे प्रूफ करूंगा। क्या है ए 1 मीटर 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यह क्षैतिज में उड़ते हुए गुब्बारे की दो पोजीशन को देखती है। एक पोजीशन यहां गुब्बारे की, ये गुब्बारे का पोजीशन, गुब्बारा उड़ रहा, इस पोजीशन को देखती है। तो जब देखेगी है
आंख से देखिए, आप जब करेगी आंख से, तो यहां से इसका जो ऑब्जर्वेशन करने पर इलिवेशन है वह है 60 डिग्री का। लेकिन जब यही गुब्बारा उड़ करके क्षैतिज में यहां पहुंच जाता है और तब यह ऑब्जर्व करती है, हाइट सेम है दोनों की, क्षैतिज मुड़ रहा होगा, तो एंगल ऑफ इलिवेशन वह हो जाता है 30 डिग्री। ये था ना 30। बाकी नेम यहां पुट कर दें, ए बी सी डी ई। यहां हमने पॉइंट नहीं रखे हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन जरा एक बार रीडिंग कर दे रहे हैं। ए 1 मीटर और 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ द वायर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कहते हैं कुछ समय बाद बैलून जो है का जो एंगल है एलिवेशन वो डिक्रीज हो करके यानी कम हो करके 30 डिग्री हो जाता है, पहले 60 डिग्री। तो हम यहां पर पहले तो बैलून की हाइट डीसी यानी ये हाइट निकालते हैं, क्योंकि यह हाइट है 1.2 मीटर, यानी यह हाइट 1.2 मीटर है। और जो टोटल हाइट है यानी यहां से लेकर यहां कोई नेम रख देते हैं मान लीजिए पी, तो पीटी जो है वो 88.2 है, उसमें से सीपी माइनस कर दीजिए तो डीसी आ जाएगा 18 मीटर। पहले काम पे ही कर देते हैं, ये फिगर में ही शो कर देते हैं 18 मीटर। ट्रायंगल ए बी ई टैन 60 इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी, टैन 60 रूट 3 होता है। ई बी जो है वो 80 है, पान ए बी रख देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि ई बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 80 मीटर। रुक जाओ रुक जाओ, 88 था जी, 88 में से माइनस करेंगे तो 87 आएगा, 87 है 80 नहीं, 87 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 30 इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी एटी
8.2 था, उसमें से 1.2 माइनस हो गया तो 87 हो गया। tan 30 1 by root 3 होता है, और DC जो है वह भी 87 है, 87 यहाँ 87 रखो। AC इज इक्वल टू हो जाएगा 87 रूट 3, यह इक्वेशन हो गया सेकंड। देयरफॉर पोजीशन बैलून इक्वल टू डिस्टेंस में आ गया, डिस्टेंस में भी टू पोजीशन ऑफ बैलून इक्वल टू एसी माइनस एडी। एसी आया है 87 रूट 3, और इसमें से माइनस करना है मुझे 87 बाई रूट 3। एलसीएम लेते हैं, रूट 3 एलसीएम हुआ, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 से 87 में मल्टीप्लाई करें तो 37 जा 21, 38 जा 24, और प्लस 2 इक्वल टू 26 माइनस 87 आ गया। आंसर हुआ, लेकिन यहां आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, इसलिए, और इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है इसलिए रेशनलाइज करते हैं। इक्वल टू 174 बाई रूट 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 174 रूट 3 बाई 3, और 3 से यह शायद कैंसिल भी हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 4 15, रिमेंस 2 आया, 4 टेक किया 24 हो गया, 38 जा 24 और रूट 3, यह हो गया 58 रूट 3 मीटर आंसर। दें एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन।